खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ और जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि खेल मंत्री चेतन चौहान ने शनिवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुब्बारे छोड़कर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के शुभारम्भ होने के उपलक्ष्य में खेल कूद के खिलाड़ियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत आयोजन समिति ने पुष्प गुच्छ और बैच लगाकर किया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच बीएसएनएल दिल्ली और बीएसएफ के बीच खेला गया। खेल के पहले हाफ में दिल्ली की टीम बीएसएफ पर 24-15 के अंतर से बढ़त बनाए रही, लेकिन खेल के दूसरे हाफ में बीएसएफ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उद्घाटन मैच को 36-32 के अंतर से जीत लिया। इस अवसर पर क्रीड़ा अधिकारी मंडल ए.के. पांडे, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह चौरीचौरा की विधायक संगीता यादव, पूर्व ओलंपियन एवं खेल निदेशक खेलकूद मंत्रालय उत्तर प्रदेश के आर.पी. सिंह, उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष सुशील यादव, बिहार स्टेट के कबड्डी सेक्रेटरी विजय सिंह सहित खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और खेल मंत्री चेतन चौहान ने कहा, Shake hand, good to see you all have. ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर उप महाद्वीप में खेली जाती है। कबड्डी नाम का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में जानते हैं। यह खेल भारत के पड़ोसी देश यानी कि हाथ, पिडी यानी कि पकड़, और जैसा कि हम हिंदुस्तानियों की एक परंपरा है अतिथि देवो, जिनका यहाँ होना हम सबको गौरवान्वित। क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2008 में आए हुए मंच पर बैठे उत्तर प्रदेश सरकार के खेल निदेशक श्री आरपी सिंह जी, श्री विषम चौधरी जी, श्री दिनेश सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान, श्री धीरे सिंह जी हरीश उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष, श्री राजेश सिंह जी महासचिव उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ,
श्री ए के पांडे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित भाइयों बहनों और इस कबड्डी प्रतियोगिता में आए हुए सभी खिलाड़ी भाइयों और बहनों, ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि स्प्राइज पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2018 में लगभग 12 टीमें भाग ले रही हैं और 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चलती रहेगी। जैसा हम लोग जानते हैं, धीरे धीरे कबड्डी की मान्यता बढ़ते जा रही है, कबड्डी खेल की का महत्व बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। एक और अच्छी बात यह है कि मैं टीवी वालों से बात कर रहा था, टेलीविजन जो टीआरपी रेटिंग कहते हैं, जो लोग देखते हैं, वो टीआरपी रेटिंग कबड्डी की क्रिकेट से ज्यादा है। ज्यादा लोग कबड्डी देखते हैं और खास करके देहात के लोग, ये खेल जो केवल देहात में पहले खेला जाता था, केवल रूरल इंडिया में खेला जाता था, आज इतना प्रख्यात हो गया है कि अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट होने लग गए, एशियन गेम्स में भी अब कबड्डी आगे बढ़ गया है। जितनी टीमें आई है मैं उन सबका आभारी हूँ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खेल मंत्री के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 दिन ये टूर्नामेंट जब चलेगा, सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। सभी टॉप के खिलाड़ी, तमाम तो कार्यक्रम है, इसी में सब है, किससे पूछना चाहिए, भारत के खिलाड़ी कबड्डी के इसमें भाग ले रहे हैं। बच्चों ने यहाँ पर कार्यक्रम के बहुत ही प्रभावित करने वाले कार्यक्रम थे। इन बच्चों ने भी, जिन्होंने यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम किए, केवल खिलाड़ी लोग ही कर सकते हैं, बड़ी मेहनत लगाई होगी इन बच्चों को, उन सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ पर गोरखपुर में कार्यक्रम हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी इनका चयन होगा। मैं आयोजकों को, विभाग को और जो खिलाड़ी हैं, उन सबका बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आइए, Thank you.
फुट पे बोल रहे 26 के एक टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्राइज मनी टूर्नामेंट है, जो टीमें इसमें जीतेंगी उनको प्राइज मनी मिलेगा और कबड्डी संघ के राष्ट्रीय कबड्डी संघ के ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग भी देखेंगे कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका चयन आगे होगा। धीरे धीरे कबड्डी जो है उसका जनाधार बढ़ता जा रहा है, बहुत ही प्रचलित होता जा रहा है, लोगों को भाने लगा है और अभी प्रो कबड्डी जो शुरू हो गया है उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं भाग ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और धीरे धीरे प्रोफेशनल यानी ये खेल जो है कबड्डी खेल जो है व्यवसाय बनता जा रहा है। तो मेरी जानकारी है कि जो सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिका है प्रो कबड्डी में वो 1,67,00,000 रुपए का, तो धीरे धीरे ये व्यवसाय बनता जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि खेल जो पहले देहातों में खेला जाता था आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गया है। देखिए अभी तो ऐसा कोई तैयारी ऐसी नहीं हुई है लेकिन आगे विचार करते हैं, अभी तो स्टेडियम है योजना नहीं है लेकिन अभी हम चाहते हैं कि खेल जरा और अच्छा हो जाए। क्रिकेट जो है वो अधिकतर जो है वो लखनऊ और कानपुर तक ही सीमित है, थोड़ा बनारस में है, पश्चिम में भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी सेंटर बने, अच्छा क्रिकेट का सेंटर यहाँ पर बन जाए और आगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं, जो जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे काम हो जाएगा। मैं अगले 15 दिन में 20 दिन के अंदर हो जाएगा, आज मैं भी उसका निरीक्षण कर आया हूँ, 15-20 दिन में हो जाएगा। एक हम टूर्नामेंट भी हॉकी का यहाँ पर करना चाहते हैं, एस्ट्रो टर्फ है, बहुत मॉडर्न है और उसके बराबर में ही एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, कुश्ती का हॉल है, वहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी बन गया है, वो भी तैयार हो गया है और बहुत जल्दी ही हम लोग एक अच्छा हॉकी का टूर्नामेंट वहाँ पर करेंगे और उसी के साथ साथ जो एस्ट्रो टर्फ बना है उसका उद्घाटन भी हो जाएगा।